हेलो असला एवरी एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल और आज की रेसिपी है हमारे हेल्थ से रिलेटेड आईसाइट की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है ये हम सब जानते हैं बच्चे हो या बड़े हर कोई परेशान है छोटे छोटे बच्चों को कम उम्र में चश्मा लग जाना ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात होती है और हर माँ परेशान होती है तो आज के बाद से अपनी चिंता और परेशानी को छोड़ दीजिए क्योंकि आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ ना आपके वो आपके बच्चे को आईसाइट को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा और ये रेसिपी आप भी ले सकते हैं अपनी पूरी फैमिली को दे सकते हैं ना सिर्फ ये आईसाइट को इम्प्रूव करेगा बल्कि इसके कई ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं तो वीडियो होने वाली है बहुत ही हेल्पफुल सी, बहुत ही मजेदार तो बने रहेंगे एंड तक वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे वीडियो पसंद आएगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इसके साथ ही मैं आपको एक हेल्थ ड्रिंक्स भी बताऊंगी जो आपके आईसाइट को सुपर बूस्ट कर देगी तो चलिए रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए इस रेसिपी को बनाने के लिए मुझे जो भी चीज़ें चाहिए थी यहाँ पर मैंने इकट्ठी कर ली है ये हमारी सारी सामग्री इस तरह से मैंने ले ली है और यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है आलमंड्स 50 ग्राम्स यहाँ मैंने लिया है वॉलनट्स 25 फाइव ग्राम्स मैंने पेपरकॉर्न लिया है फिफ्टीन ग्राम्स अगर आप बड़े के लिए बना रहे हैं तो आप ट्वेंटी से थर्टी ग्राम्स तक आराम से ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर बच्चे के लिए बना रही हूँ तो बच्चे के लिए सिर्फ आप फिफ्टीन ग्राम्स ऐड करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टेस्ट इसका बदल जाता है ना थोड़ा तीखा आ जाता है तो बच्चे पसंद नहीं करते तो सिर्फ 15 ग्राम्स ऐड करेंगे नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पर मिश्री तो ये मैंने शुगर क्यूब्स के वाला छोटे छोटे जो आते हैं ना उससे बड़े साइज़ के ये वाली मिश्री ली है लेकिन अगर आपके साइड पे मिले तो आपको धागे वाली जो मिश्री आती है आप वो लेंगे वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है बहुत ही हेल्थियर ऑप्शन होता है शुगर के मुताबिक और इसके मुताबिक तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट लिया है फिनिल सौंफ ये मैंने लिया है फिफ्टी ग्राम्स और चलिए रेसिपी में आगे बढ़ते हैं और यहाँ मैंने एक मिक्सी की जार में सारे इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से ऐड कर देना है डाल लेना है एक साथ और फिर हम इसे ग्राइंड करके इसका एक बहुत ही फाइन सा पाउडर बना लेंगे और यहाँ देखिए इसका मैंने एक फाइन सा पाउडर बना लिया है और ये हमारा अमेजिंग सा आई साइड बूस्टिंग पाउडर बनकर रेडी है बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी होती है ज़रूर ट्राई करेंगे आप अपने बच्चों को तो ज़रूर देंगे तो चलिए इसे स्टोर कर लेते हैं यहाँ स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का जार लिया है इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था सन ड्राई कर लिया है बिल्कुल मॉइस्चर फ्री है तो बस इसमें हम स्टोर कर लेंगे और ये छः महीने तक आपका आराम से चलता है बिल्कुल ख़राब नहीं होता है छः महीने का मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैं छः महीने बोल रही हूँ साल भर नहीं बोल रही हूँ तो बस यहाँ पर जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को उतना मैं आपको इस रेसिपी के बारे में बताना चाहती हूँ क्योंकि इसके बहुत बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है है ही अमेजिंग सी रेसिपी मैं अपने बच्चे को खुद देती हूँ और ये क्या होता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो एक बार जब, जब चश्मा लग जाए ना तो उसे हटाना नामुमकिन सा हो जाता है तो वो हटती नहीं है हाँ ये होता है कि आपके जो नंबर्स बढ़ते रहते हैं ना वो आपके नंबर्स नहीं बढ़ेंगे आपकी आई साइट इंप्रूव होगी तो लेकिन चश्मे हटना इज़ लाइक like, अ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टास्क लेकिन हम अपने बच्चों को ज़रूर बता बना सकते हैं इस चीज़ को उसके आईसाइट को ज़रूर इम्प्रूव कर सकते हैं कि उनको चश्मा ना लगे तो ये चीज़ें आप अभी से देना स्टार्ट करें और वो बोलते हैं ना कि आपकी गज़ा में ही आपकी दवा है तो ये चीज़ें होती है हमें बस उसे अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए तो बस ये रेसिपी को बनाइए और इसे यूज़ कीजिए फिर मुझे ज़रूर बताइए और चलिए आगे बढ़ते हैं इसे कैसे कंज्यूम करते हैं एक और हेल्थ ड्रिंक के बारे में मैं आपको बताती हूँ और यहाँ पर देखिए इसे कंज्यूम करने के लिए हम किसे कंज्यूम करेंगे इसे हम आमला जूस के साथ कंज्यूम करेंगे तो यहाँ पर मैंने पाँच से छः आमले को इस तरह से कट करके ले लिया था इसे हम मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे और फिर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे इसका एक फाइन सा प्यूरी बना लेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं इसका मैंने इस तरह से पूरा ब्लेंड कर दिया प्यूरी बना लिया चलिए इसे छान लेते हैं और ये देखिए जूस को निकालने के बाद में ये जो हमारा आंवला बच जाता है ना इसे आप बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं करेंगे आप इसे आराम से धूप में सुखा लीजिए क्योंकि अभी की धूप अच्छी आ रही है तो आप आराम से सूख जाएंगे एक दिन में ही और फिर आप इसे ना एज अ हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा आपका तो चलिए इसे अभी साइड पर रख लेते हैं और यहाँ पर देखिए ये हमारा अमेजिंग सा आंवला का जूस बनकर रेडी है तो यहाँ पर ये दो ग्लास बनाने के लिए इनफ है तो इससे मैं यहाँ पर हाफ क्वांटिटी ले रही हूँ जितना हमने आंवले का जूस बनाया था ना उसका मैंने हाफ लिया है यहाँ पर बाकी का हम फिल कर देंगे यहाँ पर पानी के साथ में तो यहाँ पर ग्लास को अच्छे से फिल कर लेते हैं उसके बाद में यहाँ पर डाल दूंगी ये हमारा आई साइड बूस्टिंग पाउडर जो हमने बनाया था एक चम्मच अच्छे से भर आपको डालना है और एक चम्मच डेली का बहुत ही काफ़ी है तो बस डेली का एक चम्मच आप कंज्यूम करें किसी के साथ भी कंज्यूम करें दूध के साथ करें प्लेन पानी के साथ करें इस तरह से आंवले के जूस के साथ में करें तो और भी ज़्यादा गुणकारी है क्योंकि आंवले का जूस हमारे आई साइट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है आई साइट ही क्यों हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारे हेयर के लिए हमारे स्किन के लिए और ना जाने क्या क्या चीज़ों के लिए तो ये जो पूरी हेल्थ ड्रिंक है ना ये बहुत ज़्यादा आपको फायदा पहुँचाने वाली है और ऐसे ही मैं इसके गुणगान नहीं करी क्योंकि मैंने इसके खुद ही इतने ज़्यादा बेनिफिट्स पाए हैं आप इसे इस्तेमाल करेंगे तभी जाके आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में पता चलेंगे तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें और मेरी रेसिपी आपको कैसे है, मुझे जरूर अपने कमेंट करके अपने प्यारे, प्यारे से जरूर, दिया करें। उससे मुझे से जरूर से अपने से ता जरूर से भर कर शेयर कर ताकि उन तक भी ये रेसिपी पहुंचे और वो भी इसका फायदा उठा सके और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिल नोटिफिकेशन बजाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी से मिल जाए और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वाली वीडियो के साथ तब तक एंड Thank you for watching!